जय माता रे प्रिया मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीज खरीद कर अपने घर लेकर आना चाहिए, जिसे लेकर आने के बाद आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आपके घर में आर्थिक प्रॉब्लम है या आपको के घर में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके घर में पैसे की बरकत आने शुरू हो जाए। आज मैं आपको वही चीज बताऊंगा जिसे आप अपने घर में धनतेरस के दिन लेकर आ रहे हैं, तो आपके घर में कोई भी समस्या आपके घर देखने को ना मिले। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धनतेरस जो कि 23 अक्टूबर 2022 के दिन रहेगी। धनतेरस के दिन सबसे पहले हमें झाड़ू खरीद कर लेकर आना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी माता को सबसे प्रिय होता है। झाड़ू लेकर आना लेने के बाद आपके घर में छोटी छोटी समस्या जो आपके घर में बरकत को लेकर आ रही, वो आपकी बरकत बननी शुरू हो जाएगी। 11 गोमती चक्कर आपने धनतेरस के दिन पूजा के समय आपने गणपति जी मतलब गणेश जी और लक्ष्मी माता के आगे रखने हैं। उन्हें गोमती चक्कर के ऊपर आपने हल्दी लगाकर पीले कपड़े में बांधकर दिवाली वाले दिन भी पूजा करनी है, और दीपावली के अगले दिन आपने उसको उठाकर मंदिर से अपने घर के अपने लोकर में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत और खुशियां हमेशा बनी रहेगी और लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। धनतेरस के दिन साबुत धनिया आप अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आइए अपने घर। साबुत धनिया का भोग धनतेरस पर लक्ष्मी माता को लगाइए। लगाने के बाद आपने दिवाली के अगले दिन उस साबुत धनिये को घर के अंदर बीजना चाहिए। बीजने से आपके घर में कभी भी पैसे की कमी देखने को नहीं मिलेगी और आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। धनतेरस के दिन हमें श्री यंत्र भी खरीदना चाहिए। श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, इत्र छिड़कना चाहिए और सिंदूर का तिलक करना चाहिए, और दीपावली वाले दिन भी हमें श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें या उसे अपने अरमीरा के अंदर लॉकर के अंदर रखती हैं, तो आपके घर में कभी भी पैसे की बरकत नहीं जाएगी। आपके घर में पैसे की बरकत हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में खुशियां हमेशा रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।